फेलस, बीस बॉय है और आप लोग सच में चाहते हो हाँ कि मैं दादा दादी के घर के मेन दरवाजे से भाग के दिखाऊं? ओके, हम लोग एक्स्ट्रा लॉक्स भी यूज करने वाले हैं आज ताकि हम लोग फुल मजा ले सकें। हमें डोर लॉक तो मिल गया। आई एम नॉट श्योर कि ये डोर लॉक कैसे काम करता है। ओ बेटे, एक्स्ट्रा लॉक्स में तो गणी चीजें हैं भाई। अगर मैं नहीं जा सकता इसका मतलब दादी भी नहीं जा सकती। तो इसका लीवर कहाँ है? हाँ, डरा दिया दादा ने। ये डोर लॉक ही फेंक के मारना उसके मुंह पे। पहले नीचे जाके देखते हैं कि यहाँ क्रोबार। Give me that। आज मैं ईयरफोन्स लगा के खेल रहा हूँ तो इनकी पैरों की आवाज मेरे को क्लियरली सुनाई दे रही है। दादी आती है। दादी जा रही है। यस, कितनी क्लियर सुनाई दे रही है आज इनकी आवाज। हेडफोन्स में इनकी साउंड का पता ही नहीं चलता था। नाइस, अब हम ऊपर जाके। ओए होए दादा, आजा बिड़ ले, क्रोबार क्रोबार फाइट हो जाए। अरे यार नीचे दादी है, क्यों मरवाएगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसे फोड़ देते हैं। आवाज हो गई, स्टन गन है पर उसमें। बूम। सॉरी दादी जी, आज आपका टाइम नहीं है। अरे मेरे को मेरी एमओ तो दे दे। ओ नो, दादा भी आ रहा है। आई एम प्रिटी श्योर दादा भी आ रहा है। दादा हेलो, गिव मी दैट चाबी बॉय, गिव मी दैट चाबी। अरे यार, ओ बुड्ढे चाबी दे पागल। ओके, सिक्योरिटी की। अब चलते हैं ऊपर हम तहकीकात करने। एक्स्ट्रा लॉक्स लगे हुए हैं तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओ स्पेशल की, देखना पड़ेगा इस स्पेशल की से क्या होता है। पहले इसमें चेक करते हैं। ओ व्हाट इज दिस, वेपन की, यही तो चाहिए था। अब दादी यहाँ आ गई है तो मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। ओके नाइस। ओ बाप रे, दुनिया भर की आवाज। किस्मत खराब, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। ओके बच गया, सही में बच गया। खावा ही खा। दादी जी को शर्म ही नहीं आती है, बाथरूम में ऐसे ही घुस गई। अगर मैं नंगू पुंगू होता तो क्या करके चिल्लाती फिर। पहले ऐसा करते हैं, स्टन गन ले लेते हैं, हेल्प करेगा काफी। ये स्टन गन है हमारे पास, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अब आजा दादी। यू सी मी, ओके नो प्रॉब्लम। देखो ये दे दे बस तू। अब दादी आएगी भगी भगी। मेरा पति मर गया। किसने मारा मेरे हस्बैंड को? दादी आ जा, मुझे पता है तू आना चाहती है। तेरा हस्बैंड गया, तू भी जा, बाय। इसमें कुछ नहीं। ऑल राइट, मुझे वेपन की चाहिए, इसे यहीं ड्रॉप कर देते हैं। पहले थोड़ा सा ना तहकीकात कर लेते हैं। ओह मुझे ये चाहिए था। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसे खोल देते हैं, यहाँ पे लगाया। पहले हमें मेन वो खोलना पड़ेगा आई थिंक। बाप रे, एक्स्ट्रा लॉक्स का कमाल। ओ मैं वेपन की से भी क्या करूंगा फिर, बिकॉज अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे हाँ यार, वेपन की यहीं पड़ी रहने दो। ये क्या चीज है? आई नीड अ स्पेशल की। अच्छा वो स्पेशल की यहाँ लगेगी, तो ऊपर है वो स्पेशल की, तो आई एम प्रिटी श्योर मैंने स्पेशल की यहाँ पे गिराई थी कहीं। ये रही। ओके प्लायर्स, मुझे प्लायर्स भी चाहिए क्योंकि ये जो सामने फोटो है इसमें तार है। तो ऐसा करते हैं, पहले यही काट देते हैं ना। आई एम नॉट श्योर कि वो नीचे हैं, नीचे ही होंगे। इसे गिराओ और तार काटो। नाइस, अब मैं स्पेशल की लेके सीधा नीचे जाता हूँ और वो लिवर्स खोलता हूँ। यहाँ ड्रॉप करते हैं इसे, उठाते हैं। दादी इस कमरे में आएगी, हम सरक लेंगे। या मेरे प्लान्स हमेशा काम करते हैं। दादी को लग रहा था कि ये एक मासूम सा बच्चा है, पर नहीं, ये बच्चा तो प्लानर निकला। अब हम यहाँ पे स्पेशल की लगा सकते हैं इधर से जाके, बस दादा परेशान ना करे। दादा सो रहा है क्या? नहीं। नाइसू, बूम। इसकी आवाज दादी को लेके आएगी क्या?
दादी आ रही है, भागो। अब मैं वेपन की ले सकता हूँ एटलीस्ट। सुनो प्रॉब्लम, इस कमरे में जाओ फटाफट। अब हमें बस इसे नहीं गिराना वरना हमारी ऐसी तैसी कर देगी दादी। इसे खोल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओह ये क्या है, रेंच। रेंच का मुझे कोई काम है। ओह काफी सारे लॉक्स हैं यार, तो आई थिंक मुझे काम है यहाँ पे, राइट? यस आई एम अ जीनियस। ओके इसे खोल तो सही। ऐसा करते हैं अब हम अपनी वेपन की ले लेते हैं और वेपन लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे, अच्छा मेरे को तो सिर्फ ये हिलाना है ना। खुल भाई। ओ दादी आ गई, पहले भागना पड़ेगा। आ सॉरी। खामाई खा बावली हो रही है। दादा भी हंस रहा है, दादा सोच रहा है मैं यूं बैड एस बेटा, ये स्पेशल की तरह आंख में देकर मारूंगा, पता है। चले गए तुम दोनों बावले, दोनों ऊपर जा रहे हैं पागल लोग। इन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे ध्यान रखना होता है, चौकीदारी भी नहीं करनी आती। कहां पे है मेरी वो वेपन? यहां पे। ये ओ अरे बोट स्टीयरिंग ले दो, ये थोड़ी ना चाहिए आज हमें। आज बोट नहीं चुरानी हमें दादी की। दादी आई थिंक यहाँ आ जा तू, दादी एक्चुअली आई जा। ए बिश्क्यों आउच लग गई क्या? अब दादा भी आएगा यार पागल, चलान दे दादा को भी। बूम दादा देयर यू आर करता रह तू, तेरे मुंह पे चढ़ के जाऊंगा मैं। अच्छा अब चलते हैं एक बार और सिक्योरिटी रूम में, बिकॉज वहां पे एक गेट है, हमें वहां पे पैडलॉक की मिल सकती है एक्चुअली। गिव मी दैट और अब शूट करना है हमें बस। बूम जीनियस। और अब यहाँ के लिए हमें आई थिंक कटिंग प्लायर्स। ओके कटिंग प्लायर्स हमारे यहाँ पे, आई एम प्रीटी श्योर। ओह ये गिव मी दैट। अब हम हमारे ड्रैकुला भैया से भी मिल लेते हैं, वो भी बेचारे उसी में बंद रहते हैं। हैं जी ये दादा दादी बड़े बेकार है, वैसे हमारे ड्रैकुला भैया को कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाने दे रहे, उसे यहाँ पे कैद करके रखते हैं। लो जी हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, हमारे दोस्त बनो और ग्रैंडपा को चांटे मार के आओ। सर आप तो, हेलो इसकी कोई हड्डी काम ही नहीं कर रही है अभी। ये क्या है, डोर हैंडल, गिव मी दैट। यहाँ पे या ओके मुझे क्रोबार चाहिए, मुझे ये भी तो हटाना है, खुलेगा कैसे भैया? दोनों के दोनों नीचे जा रहे हैं और देखो कितना प्यार करते हैं आपस में, कि शरीर बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसा दिया उन्होंने। इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए। ओके ओके अभी से कैसे कैसे हटा, ओ मुझे क्रोबार का ऑप्शन आया होगा ना। ओ आई थिंक या मुझे अब नीचे का हैंडल घुमाना है ना, या मैं क्या कर रहा हूँ। ये स्टूल गिराया, अब दादा जाएगा ऊपर, दादी आएगी उधर। अरे बावली दादी उधर जाना चाहिए था तेरे को, जहां मैंने मरा भाई मरा रे। ओ ओ छुपना पड़ेगा, इन दोनों बुड्ढों को जाने दो, फिर हम जाते हैं नीचे, वो हैंडल घुमाते हैं, फिर ये गेट खुल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सिर्फ क्रोबार चाहिए और हमारा मिशन कंप्लीट। व्हाट द हेल। ओ ओ मेरे को सिर्फ वो व्हील घुमाना है दादी जी, तो आप चुपचाप चली जाइए, थैंक यू। बूम हा खुल गया, यस। अब अपने को सिर्फ क्रोबार चाहिए, दादी आ रही है आई थिंक। ओ क्रोबार और पैडलॉक की दोनों ही, फंस गया मैं। ओके बच गया। तो हम ऐसा करते हैं अभी ऊपर चलते हैं क्रोबार लेने, पहले ये स्टन गन ले लेता हूँ मैं, ताकि ये मेरे को परेशान ना करे ज्यादा। आ जा बूम, कैसा दर्द हुआ? आ जा दादी तू भी आ जा। बूम बेस्ती भागो अब। अबे दादा हट, अरे के है यो दादा बावड़ा, हाँ पैरों में चिपट गती, चिपटे मत मेरे,
मर गया तो क्या हुआ, रैंप पे भी पड़ेंगे अभी। ओके तो मुझे क्रोबार मेरा कहाँ पे है? ओ मेरा क्रोबार नीचे है यार पूरा। इनका घर भी तो इतना बड़ा है, गणा ही अमीर हो रहा था। मैं तीन तीन फ्लोर बना रखी है। मैं दादी चिपटे मत, मैं चाटा भी मारूंगा जब ही पैर पकड़ने लग जा मेरे। पैर पकड़ने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, स्टन गन तो मैं तुम्हें फिर भी मारूंगा। शुभम क्या कर रहा है? ओके जल्दी जल्दी ऊपर भागो, दूसरे वाला जो वो है ना वो भी खोल के देख लेंगे एक बार हम, क्या पता पैडलॉक हो उसमें जो यहाँ पे रखा है। क्या है भाई? जैसा कि मैंने कहा था, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं ना, मेरे को कहाँ जाना था क्रोबार लेके, या मेन डोर पे। बूम और बूम, अब सिर्फ पैडलॉक ही चाहिए हमें। लॉल दादा दादी ऐसे ही घूमते रह गए बावड़ों की तरह, ना मेरे को पकड़ पाए ना कुछ। और मैं उनके घर से अब रफू चक्कर होने वाला हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो बेचारे स्टन हो रखे हैं इस टाइम पे। ओके बाय दादा दादी, फिर कभी नहीं मिलेंगे, सायोनारा। बूम, मैं तो भाग गया। दादा दादी बेचारे देखते रह गए। हाँ भाग गया, कैसे भाग गया वो? अब आपस में लड़ाई करो तुम लोग, तूने ध्यान नहीं दिया और तूने ध्यान नहीं दिया। लॉल द एंड। ऑल राइट गाइस, ये था मेन डोर एस्केप। कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया दादा दादी को परेशान करने में? मुझे बड़ा आया। दादा दादी की नाक के नीचे से हम लोग भाग गए। हम इसके और मोड्स भी ट्राई करेंगे और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसकी और अपडेट्स के लिए जो फ्यूचर में आने वाली हैं। तब तक के लिए मैं चला दूसरी और भयंकर वीडियोस बनाने, इसीलिए गुड बाय। यो कैसी लगी वीडियो? मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, अगर आप लोग ऐसा ही गेमिंग कॉन्टेंट और देखना चाहते हो तो आप लोगों को ना सब्सक्राइब कर देना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि आगे आने वाली मेरी जो भी बेहतरीन वीडियोस हैं जो मैं डालने वाला हूँ वो आप लोग गलती से भी मिस नहीं करोगे। तो इंतजार किस बात का, करिए ना सब्सक्राइब।